हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आप बाज़ार से लेके आते हैं शैम्पू तरह तरह के, जो कि आपके बालों को डैमेज करते हैं, केमिकल से भरपूर होते हैं। अंत आपके बालों का ख़राब होना बिल्कुल 100% होता है और बाल ख़राब हो भी जाते हैं। तो इसका सल्यूशन में क्या होता है, या हमें कौन सा ऑयल लगाना चाहिए जो हमारे स्कैल्प के लिए बेस्ट है? तो जो मैं आपको हेयर ऑयल बता रही हूँ वो बेनिफिट करेगा हेयर ग्रोथ, हेयर ड्राई हेयर को ठीक करेगा, हेयर फॉल को कम करेगा, रूट्स को डैमेज है उनको रिपेयर करेगा, और दो मुहे बाल होते हैं उनको भी ठीक करेगा, और डैंड्रफ वाले बालों को तो ये बिल्कुल ही ठीक करेगा। अंत आपको रिजल्ट मिलेगा जो होगा सिल्की शाइनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग वाले हमारे सुंदर सुंदर सिल्की बाल, जो कि आपके चेहरे को लगाते हैं चार चांद। आप कोई भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में, कैसे भी आप बालों को आप हेयर स्टाइल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए? आपको ऑयल यूज़ करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कोकोनट का। उसके अंदर कुछ भी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोकोनट में खुद ही इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके हेयर फॉल्स, हेयर ड्राई हेयर, डैंड्रफ हेयर को दूर कर सकती हैं। तो आपको फर्स्ट तो ये अपना ध्यान में रखना है कि आपको नारियल का तेल लेना है। नारियल के तेल में कुछ भी मिक्स नहीं करना है, या तो लोग बता देते हैं विटामिन ई ये वो कुछ भी, तो आप कुछ भी मिक्स ना करें। हल्का सा गुनगुना करके आप अपनी स्कैल्प के ऊपर लगाएं, अच्छे से मसाज करें, और फिर उसको आप स्टीम दें अपने बालों को। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात होती है कि नारियल तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप, चाहे और वर्जिन ऑयल हो या फिर पैराशूट का ऑयल हो, कोई भी आप इसको ले सकते हैं। हेयर ऑयल लगाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हेयर वॉश करने से 3 से 4 घंटे पहले आप इसको लगाएं अपनी स्कैल्प के ऊपर, और ऊपर से नीचे तक आप बालों तक ज़रूर से लगाएं। आप हफ्ते में एक बार लगाएंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप फिर गर्म हीट का टॉवल अपने को सिकाई कर सकते हैं बालों को, और देन आप हेयर वॉश कर लीजिए। आप बाल धोने से पहले हेयर ऑयल करेंगे, नारियल तेल लगाएंगे, तो आप 100% पाएंगे कि एक हफ्ते में आपके बालों को कितना असर हुआ है। वीडियो कैसी लगी हो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।